नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। आज बात करेंगे ब्रिटेन की और ब्रिटेन में आए चुनावी नतीजों की। साल 2022 में ऋषि सुनक ग्रेट ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने, पर अब दो साल के बाद उनके कार्यकाल के साथ ही ब्रिटेन से 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी के अंतिम प्रशासक के रूप में उनकी विदाई तय हो चुकी है, जिसके बाद अब एक बार फिर ब्रिटेन में लेबर पार्टी का आगमन होने जा रहा है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार लेबर पार्टी 1997 की तरह प्रचंड बहुमत के साथ ब्रिटेन की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने जा रही है, जिसमें लेबर पार्टी कुल 650 हाउस ऑफ कॉमन्स की सीटों में से 412 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। और साथ ही कंजर्वेटिव दल यानी ऋषि सुनक की पार्टी महज 121 सीटों पर आगे है। इसके पहले साल 1997 में कुल 419 सीटों के साथ प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में लेबर पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों लेबर पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज होने जा रही है, और साथ ही वो कौन से ऐसे फैसले थे जिससे सत्ता दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी का ये हश्र देखने को मिल रहा है। ब्रेग्जिट यानी 2016 का वो जनमत संग्रह जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने कुल 51.9% वोटों के साथ ब्रिटेन की यूरोप छोड़ने पर फैसला दिया, पर माना यह जाता है कि ब्रिटेन में ब्रेग्जिट की वजह से महंगाई बढ़ गई। और साथ ही कुछ शोधकर्ताओं का भी ये भी कहना है कि ब्रिटेन के खाद्य बिल में एक तिहाई बढ़ोतरी के लिए ब्रेग्जिट जिम्मेदार है। ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान कोरोना के बाद से भी लगातार उठाना पड़ा। ऐसे में लेबर पार्टी के कीर स्टर्मर ने ब्रिटेन के लोगों से आर्थिक विकास का वादा किया है, जिसे लोगों ने हाथों हाथ भी लिया। साथ ही स्टर्मर ने यह भी वादा किया है कि वो कामकाजी लोगों का टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। सुनक के हार की एक और वजह इंग्लिश चैनल पार कर छोटी नावों से आए शरणार्थियों की वापसी की योजना भी है, जिसे सुनक के पहले कंजर्वेटिव पार्टी के ही पीएम बोरिस जॉनसन लाए थे। पर 2023 में कानूनी अड़चन के बाद ऋषि सुनक सरकार ने 2024 में इस पर एक विधेयक पास कर दिया, जिसके अनुसार फ्रांस के रास्ते ब्रिटेन में घुसे शरणार्थियों को ब्रिटेन से करीब 6,500 किलोमीटर दूर रवांडा भेजा जाएगा। यानी ब्रिटेन सरकार ने रवांडा को एक तरह से डंपिंग ग्राउंड बना दिया, लेकिन ये डंपिंग ग्राउंड कूड़े का नहीं बल्कि इंसानों का होगा, जहां ब्रिटेन अपने यहां से तमाम अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करेगा। इसके तहत साल 2022 में रवांडा और ब्रिटेन सरकार के बीच एक डील भी फाइनल हुई थी, जिसमें ब्रिटेन रवांडा को अवैध प्रवासियों के लिए पैसे दे रहा था। वैसे कुछ मानवाधिकार संगठनों का यह भी मानना है कि रवांडा इन शरणार्थियों के लिए सेफ जगह नहीं है। और साथ ही उस वक्त कुछ खबरें ऐसी भी थीं कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने भी खुद इसका विरोध किया था। दरअसल कुछ तथ्य ऐसे भी हैं कि इस मुद्दे पर ब्रिटेन के आम लोगों का भी यही मानना है, और लोगों की हमदर्दी के साथ लेबर पार्टी ने भी चुनाव से पहले इस ओर इशारा किया कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर सहज तरीके से काम करेगी, और उसका फोकस इस बात पर भी रहेगा कि ब्रिटेन में शरणार्थियों को आने से रोका जाए। वैसे मौजूदा जुलाई महीने में ही ब्रिटेन से पहली फ्लाइट रवांडा के लिए डिपोर्ट करने वाली थी, पर अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा।